ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, 12 महीने प्रदोष आती है और 12 महीने के हर महीने में शिवरात्रि भी पड़ती है। तो अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ हो आती है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, बहुत अधिक टेंशन जिंदगी में चल रही है, आपको बीमारी, व्यापार, धन आदि जिस भी वजह से आपके जीवन में दुख अधिक हो, तो आप कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आपको एक छोटा सा ही उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटा जल ले लेना है, उसमें 5 बेलपत्र डाल लेने हैं और 1 शमी पत्र, 7 साबुत चावल के दाने उसी लोटे के जल में डाल लीजिए। जब इन सभी सामग्रियों को लोटे में डाल लें, तब प्रदोष काल में, यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो, संध्या का समय हो, उसी प्रदोष काल में बिना चप्पल जूता के नंगी पांव शिव मंदिर में यही लोटा लेकर पहुंच जाइए। लेकिन घर से निकलने से पहले जहां पर भी आप पूजा आदि करते हैं, वहां पर एक दीपक जलाकर ही घर से निकलिएगा। और जब शिव मंदिर पहुँच जाएँ, तो उस लोटे के जल को और सामग्री सहित शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, यानी चढ़ा दीजिए। और उसके बाद अपनी झोली फैलाकर महादेव को प्रणाम करके उसे जो कुछ भी आपको मांगना है, कहना है, वो महादेव से कह दीजिए। उसके बाद जब वापस आप घर लौटने लगे, तो उससे पहले शंकर की दहलीज पर, मेरे महादेव की मंदिर की दहलीज पर बैठकर 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर एक सौभाग्यवती नारी को नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए और पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। और अगर पति और पत्नी दोनों साथ बैठकर जाप करते हैं, तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर अगर नारी अकेले बैठकर महादेव का स्मरण कर रही है, तो नमः शिवाय ओम ही बोलें। जब वो नमः शिवाय ओम बोलेगी, तब अपने आप ही सबसे पहले ओम आगे निकलकर आ जाएगा। चाहे तो बोलकर देख लेना आप। तो 5 बार या 7 बार शिव मंदिर में बैठ कर के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये बोलना है और उसके बाद अपने घर आ जाना है। अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यही उपाय करें, विनती करें महादेव से। दोस्तों, स्कंद पुराण कहती है, अगर आपने 2 या 4 ही प्रदोष या उपाय कर लिया, तो मेरे महाकाल बाबा आपकी झोली भर देंगे, यह निश्चित है। बस बहुत ही आपकी 4-5 प्रदोष ही उपाय करेंगे, आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। पर आपकी जब इच्छा पूरी हो जाए, तब भी आप ये उपाय करना मत छोड़िएगा। अगर हो सके तो पूरे साल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये उपाय कर, तो आपका जीवन ही निखर जाएगा। कई बार महिलाओं के पास कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जिससे वो सोचती हैं कि अब ये उपाय कर, तो उस समय आप ये उपाय अपने घर की किसी भी सदस्य से करवा सकती हैं। लेकिन आपको ये उपाय करना छोड़ना ही नहीं, ये उपाय आपको पूरे साल ही करना है। आप ये सोच के ही जाइएगा कि आपको अपने दिल की बात महादेव से जाकर कहनी ही कहनी है, क्योंकि यदि अपना दुख किसी इंसान से कहेंगे, तो आपकी वो हंसी उड़ाएगा आपके पीठ पीछे। पर यदि आप अपना दुख महादेव से कहेंगे, तो वो हंसी ना उड़ाने के बजाय आपकी सभी समस्याओं का हल ढूंढ कर आपके सामने रख देंगे। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी कि जितने लोग महादेव पर जल चढ़ाते हैं, यदि वो दिल से मांगते हैं, तो बाबा उनको इतना दे देगा कि वो एक बार अपने घर पर शिव पुराण कथा जरूर करवा सकेंगे, ये पक्का है।